ठीक है, आप हमारा साथ नहीं देंगे, हम अकेले जाएंगे उस भूत से, मजाकरात करने। मार दे हमें बेशक, मार दे, फिर आप खानम के ऊपर हुक्मरानी चलाएगा अपनी। भूत अंकल, आज मेरी ढोल की है तो थोड़ा शोर एडजस्ट कर लीजिएगा। टूटे साहब आप? हाँ मैं, क्या हुआ? लेकिन ये सब हो क्या रहा है और अम्मा कहाँ है? वो बीबी साहब तो वो गाना बजा रही, गाने गा रही हैं। तानी। हेलो भाई। हेलो तान, आपसे बात कर रहा हूँ, कौन हो और किसको बुला रहे हो? तुम कौन हो और कितने लड़के हैं यहाँ पे? मैं तानी। साहब ये मेरा घर है, मैं इस घर का बेटा हूँ और हाँ तमीज से बात किया कर रहा हूँ। मैं तानी का होने वाला शौहर हूँ और उसको अंदर से बुला के लाओ जाके, मुझे तमीज मत सिखाओ, बुलाओ उसे। क्या क्या बोले? तो तुम हो तानी? जी गलती से मेरा ही नाम है तानी, सॉरी। हाँ क्या मसला है, चिल्ला क्यों रहे हो, यहाँ पे क्यों आए हो? जीने आया हूँ तुम्हें, चलो जल्दी 5 मिनट का सामान लेकर और चलो। कहाँ? एयरपोर्ट, टिकट मैंने करा ली। और वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो अब तक? घर चलो। क्यों? क्यों? मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ, ठीक है? इसलिए जो कह रहा हूँ वो करो, जल्दी। सीरियसली? सीरियस? तानी अम्मी को अगर पता चला ना, बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन मेरे पापा को पता है, उनकी परमिशन से ही हूँ इधर। तानी अम्मी पहले ही बहुत मुश्किल से मानी है और उन्हें ये सब पसंद नहीं है। जो कह रहा हूँ वो करो, वरना फिर नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी, ठीक है? रहना फिर अपने पापा के पास। क्या? You are right. तुम तो किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकते शोएब। No, never, not. पापा ही ले सकते हैं मेरी जिम्मेदारी। तुमने तो सब कुछ क्लियर कर दिया यार। Thank you. क्या मतलब? मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रही? मुझे तो भाई समझ में आ गया। आप तो समझ गए ना? हाँ। तो आप भी समझा देना इसको। देखो रिंगशिंग तो तुमने दी नहीं थी कि मैं तुम्हारे मुंह पे मारूं। अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मैंने तैयार होना है, ठीक है? बाय, थैंक यू, बेस्ट। भाई साहब समझ में नहीं आ रही क्या बात? वो क्या कह के गई है? और आ गई है समझ, मतलब टिकट रिफंड करवा लेना, जितनी देर करोगे उतने चार्जेस कटेंगे। गॉट इट? परसेंटेज काट लेते हैं वो तो। हाँ गुड बॉय, गुड। क्या हो रहा है? कितना फेड मेकअप किया है माही। क्या हुआ शोएब ने क्या कहा? छोड़ो, तो आया क्यों था? जाने के लिए आया था, छुट्टी हो गई उसकी। नहीं मेरी आंखें खुल गई माही, मेरा भी मेकअप करवा दो प्लीज। हेलो उधर उधर कोने में जाके खड़ी हो जाओ, अभी मेरी बारी है सुना तुमने, और मेरी ग्लासेस वापस करो। क्या नजर नहीं आ रहा? अंधी नहीं हूँ मैं, -1 नंबर है मेरा, वापस करो मुझे मेरी क्लास। टू मच ही हो तुम शिजा, मेरी -1 क्या -5 भी होती ना तो मैंने कभी उस हसीन जोड़े के साथ ये ग्लासेस नहीं पहननी थी। नंबर गिर जाएगा मेरा तानी, ग्लासेस वापस करो। नंबर गिरता है तो गिर जाए शिजा, गेम नहीं गिरेगी तानी, ग्लासेस वापस करो। छोड़ो मेकअप करो। अच्छा अच्छा जी, अब ऐसे करो माई थोड़ा और हाइलाइटर। अच्छा जी अच्छा जी, वो थोड़ा ज्यादा ना हो जाए ना। क्या बात है, ओ खबरदार आपने लगाना है ना। मैंने ही पहने बख्तू, क्या हो गया है? हाँ तो चीज को खराब नहीं करना है ना, दूल्हा की शान में कमी भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा और आज का दिन इंसान की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है,
आज के दिन वो फैसला करता है कि वो किस तरह का बाप होगा, किस तरह का शौहर होगा। वो घर का सर बड़ा बनने जा रहा होता है ना। तुम बच्चों की तरह आंख लगा रहे। पख्तू, तेरी शादी हुई है? नहीं, अभी हमारी शादी तो नहीं हुई है। मेरी हो गई है, एक महीना हो गया है। कर चुका हूँ मैं ये सब, अब देख लूँ मैं अपनी चीजें। वो तसव्वुर, मैं बहुत अमीर आदमी तो नहीं हूँ तसव्वुर, मगर मेरी हैसियत में जो भी था वो मैं लेकर आया हूँ ना। दूल्हा का दोस्त बनना हमारे उधर बहुत बड़ी बात होती है। तुमने मुझे दूल्हा का दोस्त छूना है ना, तो इतना सब कुछ तो करना था ना फिर। अरे बड़ी मेहरबानी है। मुझे लग रहा है ये सब के पीछे जरूर तुम्हारा कोई एजेंडा है, है? अब वो एक एजेंडा तो है। बात ये तसव्वुर के तुम आज दूल्हा बने हो ना, तो दूल्हा की बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये हमारा लेटर है। किसी के ख्वाबों में आने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप उसके काबिल हैं। अगर मेरी मोहब्बत में ताकत होती तो अब तक मैं उसे जीत चुका होता, वो खुद कह देती। कहां मैं एक चोर, अनपढ़ गवार, कहां वो शिजा महमूद मिर्ची वाला, BS, MS, MP, HIL, PhD इन दिमाग की स्टडीज, जिससे उसने मोहब्बत की उसके लिए भी तो ट्रेन में कराची बैठ के आई ना। इसका मतलब डरपोक तो नहीं है वो। हंस के बात करती है मुझसे, जानती है मैं कौन, जैसे मैं जानता हूं वो कौन है। शायद मेरे अंदर का शाहरुख देख लिया उसने, लेकिन ये सब फिल्मों में होता है भाई। और यहां भी तो सब फिल्म ही हो रहा है। लेकिन क्या तू ये चाहता है रोहिल कि इस वक्त वो तुझे चुने? यानी क्या यही सही वक्त है अब जब आखिर के दो सेमेस्टर्स रह गए हैं? मतलब जाना तो एक ही यूनिवर्सिटी में है ना। खानम, अरे वाह, तैयार हो गई इतनी जल्दी? फंक्शन में तो बहुत वक्त है अभी। तुम दुनिया की पहली दुल्हन होगी जो वक्त से पहले ही तैयार हो गई है। खानम, मैंने आपको हमेशा वक्त पे तैयार और प्रेजेंटेबल देखा है जिंदगी का मुकाबला करने के लिए, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो। मैंने सोचा जिम्मेदारी इसी में है कि मैं भी। हाँ हाँ, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर वक्त इंसान जिम्मेदारी उठाता रहे या दिलेरी दिखाता रहे। कभी कभार जो अंदर के तासुरात होते हैं ना, उन्हें दुनिया को दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि लोग वो ही देखते हैं या समझते हैं जो उन्हें नजर आता है या सुनाई देता है।
तुम्हारी शादी के मौके पे मैं तुम्हें एक ही मशवरा दे सकती हूँ, अपने साथ जुल्म मत करना। भरम रखने के लिए सूली पे मत चढ़ जाना, क्योंकि अगर तुम खुश नहीं होगी ना तो तुम किसी और को भी खुश कभी नहीं रख सकोगे, ना अपने शोहर को खुश रख सकोगी, ना अपने आने वाले बच्चों को खुश रख सकोगी। ये मेरी बात याद रखना। देखो कायनात, जिंदगी में सब कुछ होता है, अच्छा बुरा, उतार चढ़ाव, लेकिन जो कुछ भी हो ना उसको वैसे ही रहने देना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हानम, मैं 7 साल की थी और मेरा भाई 5 साल का था, तो अम्मा दुनिया से चली गई। हानम, आज अगर आप ना होती तो मुझसे ये बातें कौन करता? हम समझा रहे हैं ना, और हम हैं, हमेशा रहेंगे ना। शुक्रिया खान, शुक्रिया। हेलो मैडम। मैडम आप जो कोई भी हो, चांदनगर फुल हो गया है, अब किसी और बंदे की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। आप हो कौन? देखो ये इवेंट जो है ये प्राइवेट है, बाहर वाले अलाउ ही नहीं है, तो प्लीज मेहरबानी करके बाहर चले जाओ आप। मिस ये मैंने नहीं देखी, तो मेरे हाथ में कैसे आ गई? देखो शहजाद, तुम बहुत ज़हीन पढ़ी लिखी महान लड़की हो, ये मसला हल करके जाओ मेरा। ये मैंने नहीं देखी, लेकिन ख्वाब में देखी, लेकिन मैंने तो वो देखी, तो ये कैसे आ गई भाई? यही तो बात है तैमूर, बात ही यही है। ये मतलब यही तो बातें हैं यार, सब बातें यही है यार, बातें यही है। कहीं और की बातें हैं ये, इस सोसाइटी में कैसे चलेगा? तुम्हें क्या लगता है कि जो कुछ पेपर पे ठीक लगता है बस वही ठीक होता है? तुम्हें पता है मेरा आईक्यू कितना है तैमूर? ये आईक्यू क्या होता है? जो भी होता है, बहुत ज्यादा। वही तो मैं कह रहा हूं, तुम्हारा सब बहुत ज्यादा है और मेरा तो समझो है ही नहीं, तो ये बात नहीं बनती, तो मैं क्यों? पुथू, क्योंकि तुमने वो देख लिया जो मैंने 1000 पर्दों में छुपा रखा था, मेरे बताए बगैर, मेरे दिखाए बगैर। और एक और बात, तुम क्यूट हो। क्यूट? थैंक यू, अच्छा लगा सुन के। हाँ, पर क्यूट होना काफी नहीं होता शीजा। मुझे अच्छे लगते हो, माय काइंड ऑफ क्यूट। अच्छा बताओ, किस लेवल के क्रिमिनल हो तुम? ये तुम्हारी चोरियां हैं, इनका स्केल क्या है? मतलब ग्रैंड थेफ्ट ऑटो या छोटा मोटा पॉकेट मार? मतलब चोरी चोरी होती है, ओके? लेकिन तुम्हारा स्केल क्या है? नहीं, कोई कामयाब चोर नहीं बना मैं, कोशिश बहुत की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कोई FIR, पर्चा वर्चा? तैमूर चुकता ही नाम है मेरा, कोई कच्ची गेम कभी की ही नहीं। ओके क्या मतलब? ओ, ओ,
ओके के बाद मतलब बस और कोई बात नहीं। अबे तुमने वो क्या हुआ ना वो LTVL PhD MPH IL, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझसे पूछा भी नहीं तुमने कि कितना कमाता हूँ और कहाँ से लाऊंगा कहाँ से खिलाऊंगा। मतलब ये छोटे मसले हैं, बड़ा मसला तो ये होता है कि बंदा ठीक है या नहीं। बंदे तुम ठीक हो तैमूर, चिजा वो वाली स्माइल तो करके दिखाओ पहले वाली। आई थॉट यू'ड नेवर आस्क। इसी स्माइल पे बिक गया था मैं। तसव्वुर ने जरा भी तंग किया ना तो हमें फोन कर देना, हम फौरन पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। जी खाना आओ आओ। काफी प्यारी लग रही है ये। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज लेट मी नो। अम्मा आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ चलो खाना मैं चलती हूँ। हाँ? हरगिज नहीं, अब तुम यहाँ ही रुको, ये तुम्हारा कमरा है, हम नहीं चाहते कि तुम नीचे जाओ और कोई तुम्हें देखे और नजर लगाते। अभी बहुत वक्त है, हम सब संभाल लेंगे। माई से कहती हूँ आके पूछ ले अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, ठीक है? बस आराम करो, हम है ना। चलो बेटा आ जाओ। सुन लिया सब सुन लिया ना? एक तो इस चांद नगर में लोगों को बातें सुनने की पता नहीं क्या बुरी आदत है। सुन लिया ना तो फिर बात आगे बढ़ाओ। मार्गलेन मामू, आपके बहन और बहनों ही किस टाइप के लोग हैं? अल्प शिजा के अम्मी अब्बू जो हैं बहुत सख्त लोग हैं, खानदानी अमीर। सख्त खानदानी अमीर। अरे कहीं तो मार्जिन छोड़ना था ना मेरे लिए। खबरदार देख के करना था ना काम। देख के करना था काम है? जब हम ये बात कहते हैं तो बहुत बुरा लगता है। अच्छा फिर सोचो कोई तरकीब लड़ाओ, इस तरह तो मसले खाल नहीं निकलेगा। अच्छा देखो मामू नहीं हूँ, मदद करोगे ना मेरी? अरे भाई वही तो कर रहे हैं इस वक्त। सर साहब तैमूर भाई। ओ हाँ ये समर मीना को दे दे, उन्हें कहें कि जो उन्होंने नाम लिखवाए थे जो चीजें लिखवाई थी हम ले आए। जाए डॉक्टर साहब, वो समर भाई ने एक और लिस्ट दी है, वो कह रहे थे आप शादी के कामों में बहुत मदद करना चाहते हैं ना, तो ये वाला सामान भी ले आई। ये ऊपर वाली जेब में जाए आप। ये तुफले गजलबाज जो है ना अपने बाप से चार हाथ आगे, एक दुकान पे जाएं वो दूसरी दुकान पे भेजते हैं, वहां जाएं तो दुकान ही बंद, कहते हैं कोई दुकान थी ही नहीं। ये चाहते क्या है बाप बेटा? ये इश्क नहीं आसम था। इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। शहजादी बीबी कसम ले ले, मैंने इन्हें मना किया था कि इनकी आईज पे ना ये स्मोकी आई नहीं अच्छी लगती, इनके ऊपर तो वो क्यूट क्यूट सा मेकअप अच्छा लगता है ना, वो डुई वाला डुई जो सुबह से मैं सारों को कह रही हूँ। इन्होंने फिर भी कहा कि स्मोकी कर दो, तो फिर मैंने कर दिया। तो मैं माही ने कहा था ना, लेकिन मैंने तो स्मोकी आईज करवानी थी ना, सब करवाते हैं। तानी जरूरी तो नहीं है ना कि जो चीज सबके चेहरे पे अच्छी लगती है वो तुम्हारे चेहरे पे भी अच्छी लगे, नेसेसरी तो नहीं है ना। शिजा तुम तो बगैर क्लासेस के भी जीनियस हो। बात तो तुमने ठीक की है सब, लेकिन अभी क्या करूं? अब मुंह धो फिर माही दोबारा तुम्हारा मेकअप कर देगी, है ना माही? वो मैंने अपना भी करना है माही, कर दूंगी मैं, कोई मसला ही नहीं है, मैं कर दूंगी। चलो मुंह धो। समर बेटा ये सब क्यों किया? हमने तुम्हें मना भी किया था कि ऐसी बातें मत करो, हमेशा इन मसलों से ना दूर ही रखा है, बाहर ही रखा है आपको हमने। अम्मा आपने मुझे बाहर रखा,
मैं बाहर ही खड़ा रह गया। उस वक्त मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन अब जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक किया। क्या कहा आपने उनसे? मेरी माँ ने आज तक इस स्टडी रूम की एक एक चीज को वैसे ही संभाल के रखा है जैसे पहले दिन थी। आज भी मेरी माँ आपसे डर के आपकी इजाजत के मुताबिक ही जिंदगी गुजार रही है। काफी काफी मजबूत इंसान है आप। तुम्हें क्या लगता है मैं जालिम आदमी हूं, जालिम इंसान हूं? तुम्हें पता नहीं है कि घर में क्या क्या हुआ? मुझे सब कुछ पता है। आने से पहले मैं सारी मालूमात ले चुका हूं कि इस घर में क्या क्या हुआ है। लेकिन ऐसा हुआ क्या है इस घर में? बहुत लोग आ गए हैं यहां पर, बच्चे बच्चे कहकर उनको खाना खिला रही है, उनके आगे पीछे घूम रही है, शोर शराबा हो रहा है, इतना शोर है। और वैसे भी मुझे शोर पसंद नहीं है, और ऊपर से वो घटिया शायर जो है ना। बाबा इनफ प्लीज। मेरा घर से बाहर जाना आपको तो पसंद ही नहीं था, सिर्फ एक बार मैंने अपने दोस्तों को इस घर में बुलाया था तो याद है ना? आपने क्या किया था? आपने मेरे दोस्तों के सामने मुझे इतना जलील किया था, इतना जलील किया था कि मेरे घर पे आना तो दूर की बात, वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। उसका रिएक्शन सिर्फ मैंने इतना दिया था कि ये घर छोड़कर मैं चला गया था, पढ़ाई की और कभी भी इस घर की तरफ पलट के देखा भी नहीं। और तो मुझे एहसास हुआ कितनी प्यारी इतनी मासूम सी मां को मैं किस जालिम इंसान के पास छोड़कर आ गया हूं। अबा आप मर चुके हैं, इनफ प्लीज, इन सब चीजों को खत्म करें, बस भी करें आप। अबा अब मैं आ गया हूं और अपनी मां के साथ तब तक खड़ा रहूंगा जब तक आप मेरी मां को तंग करना नहीं छोड़ देते और इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर लेते। आई नो आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपके हुदूद हैं, लेकिन मैं भी आपका बेटा हूं और मेरे भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। बेटा शादी वाला घर है, ये मौका नहीं था ना। अब वो समझेंगे कि हमने आपको उनके खिलाफ कर दिया है, कोई गड़बड़ ना हो जाए, अल्लाह खैर करे। माँ मैं कह रहा हूं ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलो आप कहते तो हम मान लेते हैं, लेकिन हमारा दिल बैठा जा रहा है। खैर अब अच्छा वो सामान लाने को कहा था, क्या हुआ? जी महबूब रास्ते में बस आने वाला होगा। अच्छा कुछ और सामान भी मंगवाना था, हम लिस्ट दे देते हैं तुम्हें। हाँ हाँ तो लिस्ट दे दे, आ जाएगा। ठीक है हम आते हैं। शायद साहब आपको मदद करने का बहुत शौक है ना, तो कीजिए मदद। अपा जितना ना सही लेकिन थोड़ा बहुत तंग करने का हक मेरा भी बनता है। कायनात बेटा कुछ खा पी लो, कमजोरी हो जाएगी पता है, थक जाता है इंसान। खानम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या हो गया बेटा? एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। हाँ हाँ कहो, खैरियत क्या चाहती हो? खानम भूत अंकल के कमरे में गई थी,
अंकल, मैं आपसे इसलिए मिलने आई हूं क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके घर ने मुझे क्या दिया है। आपके घर से मेरी शादी हो रही है। आपके घर में मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली है। एहसास मिला है। आपके घर में मुझे मेरे बाप ने माफ किया, मेरे भाई ने मुझे माफ किया है, तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूं। अभी आनम मुझसे पूछ रही थी कि मुझे शादी का तोहफा क्या चाहिए, तो वो तोहफा मैं आपसे मांगना चाहती हूं। आपकी मर्जी है, आप जाएं या ना जाएं, जो भी करें, लेकिन आनम बहुत प्यारी है, उनके दिल में कोई खोट नहीं है। और मुझे पता है कि उनके दिल में आपके लिए कोई बेवफाई नहीं है। क्योंकि वो मेरी मां है, मेरी मां है। आप बस उनका ख्याल रखिएगा, उन्हें प्यार कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त मैं अपने शोहर से यही चाहती हूं। बेटा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे घर में हमेशा खुश रखे। आमीन। मोहब्बत और सुकून मिले और कभी कोई तकलीफ ना हो। शुक्रिया, शुक्रिया। बेटा, आखिरी बार मैं आनम से मिल सकता हूं? गॉर्जियस। सुनो, तुमने वाकई शुएब को कटा दिया? अब क्या लिख के दूं? कटा दिया। अच्छा, तो काशिफ चौधरी इज आउट, शुएब इज आउट, मतलब द चॉइस इज रोहिल। चिजा, मुझे एटलीस्ट तुमसे ना थोड़ी ज्यादा इंटेलिजेंस की उम्मीद थी। मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंस? बॉस, मैंने आपसे कहा था छोटी छोटी चीजें लाइएगा, इतने बड़े बड़े गुलदस्ते ले आइए क्या? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है भाई। ये पता नहीं क्या पोजीशन है इसकी भी। पता नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना था। जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब? जो तुम मेरे लिए पहले दिन से करते आए हो, अब तक कर रहे हो, और जो जो तुमने मुझसे कहा है वो बहुत है ना, काफी है ये जानने के लिए कि तुम बहुत फिट बंदे हो और बहुत फिट मोहब्बत करते हो मुझसे। एग्जैक्टली, मैं यही तो कहना चाह रहा था। कर दी ना चवल बात, मतलब ओवर ही होना होता है ना तुम्हें, इतना
अच्छा गुड मोमेंट चल रहा था, किल करना जरूरी है? बंदा ये भी कह देता है कि हाँ समझ में आ गई है, एमी ऊपर से आने जरूरी है तुम्हारे लिए? नहीं नहीं तानी, एक्चुअली मेरा मेरा कभी भी ये एम नहीं था कि मैं तुम्हें लाइक किसी भी तरह से हासिल कर लूँ। और तुम्हारा वो डिसीजन शुएब के साथ, उसको कटा दिया मैंने। क्या? क्यों? रोहिल, पता है पापा ने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स लगा के ना मुझे यूनिवर्सिटी भेजा था। तुम्हारी तरह मैं रट्टू तोता नहीं हूँ, डिस्टिंक्शन नहीं आती मेरी, लेकिन ओके मार्क्स आ जाते हैं। लास्ट टू सेमेस्टर्स रह गए थे तो मैं स्टूपिड शुएब के पीछे कराची आ गई। पता ही नहीं था क्या करना है, कोई ठिकाना ही नहीं था। और मैं एक्सपेक्ट भी क्या कर रही थी, एक 22 साल का लड़का जो अपने पप्पा की गाड़ी चलाता है, अपने पप्पा का कैफे संभालता है, अपने पप्पा के घर में रहता है, उसने क्या ही कर लेना था मेरे लिए? मैं भी 22 साल की हूँ, मैंने भी क्या ही उखाड़ लिया अपने लिए? पारिक, तो फिर अब क्या प्लान है? प्लान ना पूछना रोहिल, मैंने दिल तोड़ देना है तुम्हारा। तो मेरे दिल को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। तो प्लान ये है कि मैंने वापस लाहौर जाना है, अपनी पढ़ाई खत्म करनी है, थोड़ा सा समझदार होना है मैंने। मतलब इतनी स्टूपिड हूं मैं, शादी से इतना बड़ा डिसीजन को इतना स्टूपिडली करता है, क्या स्टूपिड काम किया मैंने? तुम्हें पता है दानी, तुमने अपनी पूरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया ही है। कुछ हुआ नहीं, फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छे एक्टर हो तुम, किसने मेरा ऐसा दिल तोड़ा होता ना तो मैंने उसे ही तोड़ देना था। तुम ठीक हो यार? लेकिन ऑनेस्टली तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, खुशी हुई मुझे। स्मार्ट ना? थैंक यू। अभी भी पकोड़े लगाओगे ना कैंटीन में? आऊंगी मैं, 2 प्लेट खाऊंगी। क्या हुआ, चूज कर लिया उसने तुम्हें? नहीं शहजाद, उसने फाइनली खुद को चूज कर लिया और यही मैं चाहता था। ये क्या बोरिंग चॉइस है? ताली! हाँ भाई, पांडे शांडे की तरह पेंट ही किए जा रहे हैं आप तो उस वक्त से। खाना वाना नहीं खाना हमने कोई? फुल तो चंगे लग रहे हैं भाई। वाह भाई, बड़ा डैशी लग रहा है तू तो सबर। आप डैशी लग रहे हैं तो सबर जी, दूल्हा बन के। थैंक यू भाई। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक पैगाम लाया हूँ। बेड़ा तर जाए तेरा सबर, तो दूल्हा बन के अपने विवाह की सेटिंग में मुझे पैगाम दे रहे हैं? अंदर में तेरी वोटी को मेकअप करके तैयार करके आई हूँ, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐ मेरे हाथ, मैनू नहीं चाहिए कोई नवा स्कैंडल, ठीक है? और पिछली बार ये पैगाम भेजे थे ना तूने, पता क्या हुआ था फिर? अरे रुक तो जा, ब्रेक तो लगा, बात तो सुन ले पहले मेरी पूरी। आधे मिनट में मुद्दे पे आ, ठीक है? लमिया ना लगा, भक्तू का पैगाम है। तो ऐसे बोलना, त्राही निकाल दिया मेरा, चाय मांग रहा है, और क्या पैगाम देना भक्तू ने? सुन तो लो पहले। हाँ। ओ परचा। मोहतरमा माही साहिबा, आप गुज़िश्ता 10 साल से मेरे शाना बशाना चांद नगर की देखभाल के फराइज अंजाम दे रही हैं, और ये रफाकत मेरे लिए बाय से मसरत रही है। मैंने सरसे में आपके अंदर अनगिनत खूबियां देखी हैं, जिनका अहाता करने की कोशिश करी तो ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाएगा। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस रफाकत को जिंदगी भर की रफाकत में बदलने पर गौर करें। मस्बत जवाब का मुतमनी आपका बख्तू। बख्तू का असल नाम रफाकत है? अरे नहीं, रफाकत शादी का कह रहा है तुम्हें। वह कौन ये रफाकत, और मैंने क्यों करना है रफाकत से व्याह? मैं रफाकत शादी कर, रफाकत कोई नहीं है। हाँ। रफाकत का मतलब है माई साथ। बख्तू तुमसे रफाकत मांग रहा है, बख्तू तुमसे शादी का कह रहा है। इसे कहते हैं पगाम, कुछ स्टैंडर्ड होता है बंदे का, है लिख के पगाम आते हैं।
अच्छा तो फिर क्या जवाब दूं उसको? ए मैं मिडल पढ़ी हुई हूँ मैं, लिख के जवाब देना मैंने भी। बता देना रफाकत को। वाह सही वाह रफाकत। साहब अमार के खानम ऐसा ना कहें, ऐसा कहते हैं तो हमें दुख होता है। मोहब्बत के सामने हार जाना खुशी की बात है खानम। हमने आपसे बेपनाह मोहब्बत की है लेकिन हमारा अंदाज गलत था। सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सफाई मत दें, आपने हमेशा सफाई दी है, आज मुझे सफाई पेश करने थे। खाना जब मैंने पहली बार आपको देखा था तो ऐसा लगता था कि आप जैसा भी कोई हो सकता है इस दुनिया में। इतना खूबसूरत खूबसूरत बाखलाक मिलनसार इतना सब कुछ किसी को कहाँ मिलता है। मुझे तो आप मिल भी गए। आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, हमें सब कुछ दिया। नहीं खानम, हमने आपको सब कुछ नहीं दिया बल्कि हमने आपसे सब कुछ लेकर आप पर काबिज हो गए, आप पर हुकूमत करने लगे। एक इनसिक्योर इंसान जबर के अलावा और कर भी कह सकता है, और बदले में आपने वफा दी, मोहब्बत दी, मोहब्बत करती रही, और उस पर तुर ये कि हम जाकर भी नहीं गए। और हमें ये गवारा ही नहीं गुजरा, और आप हमारे आसेब को भी मनाती रहे। अब हम कभी नहीं आएंगे खानों, आपको कभी नहीं सताएंगे। नहीं नहीं साहब ऐसा मत कहें। यही दुनिया का दस्तूर है, हम मर चुके हैं और आप जिंदा हैं, आपको जीने का पूरा हक है। चांदनगर हमने बनाया जरूर था लेकिन इसे बसाया आपने। हमें माफ कर दीजिएगा खान, अपना ख्याल रखिएगा। साहब जाने कैसी उलझन है तेरी आंखों में रहती है, न जाने कैसी उलझन है तेरी आंखों में रहती है, जो दिल में है छुपा वो कह देना
जरा साथ तेरा ना छोड़ेंगे रुख ना कभी भी मोड़ेंगे गुजरे हुए लम्हों की अनोखी दास्तां एक नजर 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 देख इधर 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 शुक्र है आपने जोड़ा पहन लिया मुझे लगा आपको पसंद नहीं आया हमें बहुत पसंद है ये मौका हमें ज्यादा मुनासिब लगा इसे पहनने के लिए आपको बहुत अच्छा लग रहा है शुक्रिया मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था काफी दिनों से हम जानते हैं क्या हमें जो लगा वो ठीक लगा बिल्कुल आज हमने अपनी जिंदगी के बहुत ही अहम हिस्से को अलविदा कहा हमें थोड़ा वक्त चाहिए आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सहर होने तक जुड़ गए तुझसे यारा सारे सिलसिले कैसे कहे के नहीं कोई हमारा दे दे करार या दे दिल का सहारा फिर से ख्वाब सजाएंगे सोए भाग जगाएंगे गुजरे हुए लम्हों की अनोखी दास्तां एक नजर 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 देख इधर 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 एक नजर 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 देख इधर 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 एक नजर नाम क्या है तुम्हारा पुलिस न जाने कैसी उलझन है तेरी आंखों में रहती है